अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मोहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, कुर्बानी में कौन कौन से जानवर ज़बह किए जा सकते हैं, किन जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त हैं और किन जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त नहीं हैं, तो याद रखिए कि शरीयत मुतहरा ने बुनियादी तौर पर तीन किस्म के जानवरों को कुर्बानी में ज़बह करने की इजाज़त दी है। इन तीन किस्मों के अलावा कोई चौथी किस्म कुर्बानी के अंदर ज़बह करना दुरुस्त नहीं है, उनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। वो तीन किस्में कौन कौन सी हैं? नंबर एक, ऊँट और ऊँटनी, यानी नरो मादा दोनों। नंबर दो, बकरा या बकरी, और बकरा या बकरी ही में दुम्बा और भेड़ दाखिल हैं, यानी मेंढा और मेंढी, ये बकरी ही की एक किस्म है, इसलिए बकरा बकरी के साथ मेंढा और मेंढी यानी दुम्बा और भेड़ दोनों दाखिल होंगे। इसी तरह तीसरी किस्म है बैल और उसकी मादा, और इसी में दाखिल है भैंस और भैंसा। तो ये तीन किस्में हैं, ऊँट ऊँटनी, बकरा बकरी, इसी में है दुम्बा भेड़ यानी मेंढा और मेंढी, और तीसरी किस्म है बैल और उसकी मादा, और इसी के साथ दाखिल है भैंस और भैंसा। इन तीन किस्मों के अलावा किसी भी चौथी किस्म के जानवर को कुर्बानी में ज़बह करना दुरुस्त नहीं है, उसके ऊपर कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। तो इन तीन किस्मों को अपने जहन नशीन कर ले। इन तीन किस्मों के अलावा किसी और किस्म के जानवर को कुर्बानी के अंदर ज़बह करना ये दुरुस्त नहीं है, उसके ऊपर कुर्बानी नहीं होगी। और ये सारी किस्में पालतू जानवरों की हैं। इससे समझ में आता है कि कुर्बानी में सिर्फ पालतू जानवर ही ज़बह किए जाएंगे, वहशी और जंगली जानवर ज़बह नहीं किए जाएंगे। जैसे बैल और उसकी मादा यानी गाय और बैल, इनकी कुर्बानी दुरुस्त हैं, तो फिर गाय वही जो पालतू गाय हो। अब अगर किसी के पास कोई जंगल से जंगली गाय को ले आए, नील गाय को ले आए और उसकी कुर्बानी करें, तो इसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं होंगी। फिर गाय की कुर्बानी का फ़िलहाल बहुत बड़ा मसला है कि फितने का अंदेशा होता है, इसलिए बेहतर यही है कि गाय की कुर्बानी न की जाए, कि हमारे देश और हमारे मुल्क का कानून भी हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। ये बात अलग है कि कानून के इजाज़त न देने से वो चीज़ नाजायज़ नहीं हो जाती, लेकिन फिर भी फितने से बचने के लिए बेहतर है कि इसकी कुर्बानी न करें। इसके अलावा जो दीगर जानवर हैं, ऊँट है, ऊँटनी है, इसी तरह बकरा है, बकरी है, दुम्बा है, भेड़ है, मेंढा है, मेंढी है और भैंस है, भैंसा है, इनकी कुर्बानी की जा सकती है। इसलिए याद रखें, इन तीन किस्मों के अलावा किसी चौथी किस्म के जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। फिर यहाँ पर ये बात भी जहन नशीन रखें कि अगर कोई शख्स किसी जंगली जानवर को पाले और उसको पालतू बना ले और उसे इंसानों के साथ उंसियत हो जावे, तब भी उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। जैसे अगर कोई शख्स नील गाय को अपने घर पर ले आए और उसे पालना शुरू करे, उससे उंसियत पैदा करे, तब भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अगर कोई हिरण को पाले, हिरण को पालतू बना ले, तब भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि ये जानवर असलन जंगली हैं, वहशी जानवर हैं, और कुर्बानी में सिर्फ पालतू जानवरों को ही ज़बह करने की इजाज़त है। अब इन जानवरों की उम्र क्या होना चाहिए, इसको समझते हैं। तो याद रखें कि ऊँट और ऊँटनी कम से कम 5 साल के होना ज़रूरी हैं। अगर 5 साल से कम के हैं तो उनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, अगर 1 दिन भी कम है या आधा दिन भी कम है, तब भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती। इसी तरह बकरा या बकरी, इनके अंदर 1 साल का मुकम्मल होना ज़रूरी है, 1 साल मुकम्मल होना ज़रूरी है। बकरा या बकरी अगर 1 साल मुकम्मल उनका है तो उनकी कुर्बानी दुरुस्त है, और अगर 1 साल की तकमील के लिए 1 दिन भी कम है, कुर्बानी के अय्याम में 1 दिन भी कम है, तब भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह भेड़ और दुम्बा, मेंढा और मेंढी, इनके लिए भी 1 साल का होना ज़रूरी है। अलबत्ता मेंढा और मेंढी, दुम्बा और भेड़ के अंदर ये इजाज़त है कि अगर वो 1 साल से कम के हैं, जैसे 7-8 महीने के हैं, लेकिन वो इतने मोटे और फरबा हैं कि वो 1 साल के नज़र आते हैं, तो फिर उनकी कुर्बानी दुरुस्त है। इस मसले को अच्छे से जहन नशीन रखें,
कि ये हुक्म सिर्फ दुम्बा और भीड़ के अंदर है, मेंढा और मेंढी के अंदर है, बकरा या बकरी के अंदर नहीं है। अगर बकरा एक साल से कम का है तो चाहे वो कितना ही मोटा और फरमा नजर आए तब भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। तो ये जो कहा जाता है कि अगर एक साल से कम का हो लेकिन मोटा हो, फरबा हो, एक साल का नजर आता हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, ये सिर्फ दुम्बा और भीड़ के अंदर है, मेंढा और मेंढी के अंदर है, बकरा या बकरी के अंदर नहीं है। कुर्बानी के जानवरों की जो तीसरी किस्म है बैल और गाय, तो इनके अंदर दो साल का होना जरूरी है। दो साल का होना, अगर दो साल से कम के हैं तो फिर उनकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह बैल की तरह भैंस और भैंसे का भी यही हुक्म है कि उनके लिए दो साल का मुकम्मल होना जरूरी है। दो साल से अगर कम के हैं तो उनकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पर एक मसले की वजाहत करना जरूरी समझता हूँ कि आजकल अमूमन हम देखते हैं कि कुर्बानी के अय्याम में जब लोग जानवर खरीदते हैं तो पूछते हैं कि भाई जानवर के दांत निकल आए या नहीं, दो दांत का निकलना जरूरी समझते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है? तो इसको समझें कि असल कुर्बानी के जानवर में उनकी उम्रें हैं, दांत का निकलना या न निकलना ये जरूरी नहीं है। लेकिन अमूमन चूंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत ज्यादा हो चुकी है, किस्बे बयानी झूठी बात करना बहुत ज्यादा आम हो चुका है, इसलिए कुर्बानी के जानवरों की उम्रों के सिलसिले में व्यापारी की बात के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि अगर दो दांत हुए हैं तो इसके दो दांत उसी वक्त मुकम्मल होंगे जब ये दो साल के ऊपर का हो जाएगा, तो इसलिए दांतों की शर्त लगाई जाती है, वरना शरीयत मुतहरा में दांतों का निकलना जरूरी नहीं है बल्कि उम्र का मुकम्मल होना जरूरी है। इसलिए इस मसले को अच्छे से याद रखें कि असल कुर्बानी के जानवर में उम्रें हैं, दांत निकलना या न निकलना जरूरी नहीं है। इसलिए अगर कोई जानवर ऐसा है जो हमारे सामने पला बड़ा है, हम देखते हैं कि वो जैसे बैल है वो दो साल का मुकम्मल हो चुका है, हमारी नजरों के सामने वो पला बड़ा है लेकिन अभी तक उसके दांत नहीं आए, तो उस जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर हम किसी अजनबी शख्स से जानवर खरीद रहे हैं और वो कह रहा है कि जानवर दो साल का हो चुका है, या बकरा या बकरी है तो एक साल का हो चुका है लेकिन अभी तक उसके दांत नहीं आए, तो हम सिर्फ उसकी बात के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर सामने वाला शख्स, बेचने वाला शख्स अगर काबिल एतमाद है, दीनदार शख्स है, भरोसे के काबिल हैं, आपको उसके ऊपर एतमाद है कि नहीं ये शख्स झूठ नहीं बोल सकता, तो फिर उसके बात पर भरोसा भी किया जा सकता है। अलबत्ता एहतियात करें कि अगर हम जानवर खरीद रहे हैं या तो किसी करीबी आदमी से खरीदें या फिर ऐसे शख्स से खरीदें जिसके ऊपर हमें मुकम्मल एतमाद हो, मुकम्मल भरोसा हो, ताकि हमारी कुर्बानी सही तौर से अदा हो सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस फरीजे की अदायगी की तौफीक मरहमत फरमाए।